शेल्टर होम मामले में सीबीआई की प्रारंभिक रिपोर्ट राज्य के मुख्य सचिव दीपक कुमार को मिलने के बाद इसमें समुचित कार्रवाई का आदेश जारी कर दिया गया है। मुख्य सचिव दीपक कुमार ने सामान्य प्रशासन विभाग को कार्रवाई का निर्देश दिया। इसके तहत लगभग 25 आईएएस अधिकारियों को शोकॉज़ करने की तैयारी सामान्य प्रशासन विभाग के स्तर से शुरू हो गई है। समीक्षा के बाद अंतिम स्तर पर मुहर लगते ही सभी संबंधित आईएएस को शोकॉज़ लेटर जारी कर दिया जाएगा। इन 25 अधिकारियों में 10 जिलों के 20 तत्कालीन डीएम के भी शामिल होने की पूरी संभावना है। इनमें सबसे ज्यादा पूर्वी चंपारण के 7 और पटना के 2 तत्कालीन डीएम हो सकते हैं। इसके अलावा सचिव निदेशक समेत अन्य स्तर के उच्च अधिकारियों के होने की संभावना है। शोकॉज़ लेटर मिलने के बाद सभी संबंधित अधिकारियों को जवाब देने के लिए 14 दिन की मोहलत दी जाएगी। हालांकि सामान्य प्रशासन विभाग के स्तर से शोकॉज़ संबंधी आदेश जारी होने के बाद ही पूरी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। इसके अलावा बिहार प्रशासनिक सेवा समेत अन्य स्तर के करीब 45 पदाधिकारियों को भी सीबीआई ने अपनी जांच में दोषी पाया है। इन पदाधिकारियों को भी शोकॉज़ होना तय माना जा रहा है। आईएएस अधिकारियों के साथ भी इनको भी शोकॉज़ किया जा सकता है। सीबीआई ने अपनी जांच रिपोर्ट में 25 आईएएस और करीब 45 अन्य स्तर के पदाधिकारियों को कई स्तर पर दोषी पाया है। सभी संबंधित डीएम के बारे में पाया गया कि उन्होंने अपने अपने जिले में मौजूद संबंधित सभी बालिका या बालक गृह, शॉर्ट स्टे होम समेत अन्य होम की जाँच नहीं की है, जबकि डीएम की ही इन सभी होम की जाँच करने की जवाबदेही होती है। उन्होंने अपने कार्यकाल में एक बार भी किसी होम की जांच नहीं की। कुछ डीएम ने जांच में गड़बड़ी मिलने के बाद भी संबंधित होम के संचालकों के साथ इनकी मॉनिटरिंग करने वाले किसी स्तर के पदाधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं की। खासकर बालिका गृह की जांच में काफ़ी लापरवाही बरती गई है। इसके अलावा 30 की रिपोर्ट आने के बाद भी जिला स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। कभी होम बदस्तूर चलते रहे, वहीं कई जिला कल्याण पदाधिकारी, जिला प्रोग्राम अधिकारी समेत अन्य पदाधिकारियों को भी इन होम की बदहाली के लिए बड़े स्तर पर दोषी पाया गया है। 30 के ऑडिट रिपोर्ट में चिन्हित 12 जिलों से 17 शेल्टर होम की जांच सीबीआई ने की थी। इनमें मुजफ्फरनगर, गया, भागलपुर, मुंगेर, पटना, पूर्वी चंपारण, कैमूर, मधेपुरा, अररिया, मधुबनी और गया जिला शामिल है। इनमें पटना का शॉर्ट स्टे होम, स्पेशलाइज्ड एडॉप्शन एजेंसी और कौशल कुटीर शामिल है। मुजफ्फरनगर बालिका गृह कांड की जांच कर रही सीबीआई ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट में कहा कि बालिका गृह की किसी बच्चे की हत्या नहीं हुई है, सभी 35 लड़कियां सुरक्षित हैं। वहीं दूसरी तरफ बालिका गृह से गायब 4 बच्चियों में से एक की पुलिस अभी तलाश कर रही है। 2013-14 में बालिका गृह से रहस्यमय ढंग से मधुबनी जिले की फूलपरास, नई दिल्ली के पहाड़गंज, अहियापुर, वैटावा की बच्चियाँ गायब हो गई थी। 2018 में बालिका गृह में यौन उत्पीड़न का मामला प्रकाश में आने के बाद तत्कालीन एसएसपी हरप्रीत कौर के निर्देश पर जमादार योगेंद्र महतो से गायब बच्ची का सत्यापन कराया गया। इस दौरान अहियापुर की गायब बच्ची का सत्यापन हो गया। उसकी शादी हो चुकी है और वो अपने ससुराल में थी। साथ ही इटावा की रहने वाली बच्ची का भी सत्यापन हो गया था। वो दिल्ली के पहाड़गंज की बच्ची का सत्यापन के दौरान उसका नाम गलत पाए जाने से उसका कुछ पता नहीं चल पाया। मधुबनी के फूलपरास की बच्ची के बारे में अभी कुछ सुराग हासिल नहीं हो सका। इसके बाद जमादार योगेंद्र महतो के बयान पर 2 अगस्त 2018 को नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई। इस केस का आईईओ दरोगा धर्मेंद्र कुमार को बनाया गया था। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।